जय गंगा मैया की फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में, क्योंकि राही न्यूज़ की जो मंजिल है हमेशा एक नया मुद्दा लेकर आती है। और आज का हमारा खास मुख्य मुद्दा है स्वच्छ भारत अभियान, यानी हम गंगा सफाई अभियान के लगातार आपको बताते हैं कि गंगा सफाई अभियान जारी रहना चाहिए। और अभी फिर से गर्मी का जो मौसम आने वाला है, क्योंकि गंगा में आप डुबकी लगाएंगे तो उसका शीतलता का एहसास आपको होने वाला है। तो आज हम हरिद्वार से आपको खास चर्चा दे रहे हैं, हमारे साथ है अवधेश शर्मा जी, उनसे भी हम खास जानकारी लेंगे। देव पुरोहित जी हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे कि गंगा मैया का जो सफाई अभियान है उसमें किस तरह से वो अपना भागीदारी निभाते हैं। जय गंगा मैया की। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जय श्री गंगा जी की जी। और जैसा कि आपने कहा कि गंगा सफाई अभियान के अंतर्गत यहाँ पे थोड़ा लोगों में अवेयरनेस कम है, यानी कि गंगा के प्रति जागरूकता नहीं है। और गंगा जी के प्रति जागरूकता तब आएगी कि जब हम उनको जाकर जागरूक करेंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि अभी जनता में जागरूकता को और जागरूकता के लिए और प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। और मैं यहाँ की स्थानीय सरकार से भी निवेदन करूँगा कि यहाँ के लोगों में अवेयरनेस के लिए गंगा स्वच्छ अभियान के अंतर्गत जनता को गंगा जी की सफाई के लिए अच्छी अच्छी जानकारी दें और बहुत ज़्यादा विज्ञापन के द्वारा या जागरूकता के द्वारा जागरण मंडली के द्वारा जागरूक करने की आवश्यकता है। इस वक्त हम शीतल घाट यानी हर की पैड़ी जहाँ कहा जाता है वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ की मुख्य धारणा है कि यहाँ पर सोने की पैड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ था देवता और असुरों के बीच में एक घमासान युद्ध भी था और उसी को लेकर महाकुंभ का आयोजन किया गया था। सतयुग की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि कलश से एक बूंद अमृत यहाँ पर गिरा था, उसकी जो क्या कथा है उसके बारे में। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे कुंभ के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल सही है। और सागर मंथन के टाइम यहाँ पर चार स्थान पर अमृत बूंद छलकी थी, उसका नंबर एक है उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार। और यहाँ जहाँ पर सागर मंथन के टाइम अमृत की बूंद छलकी थी उस स्थिति में, उस समय में, उस नक्षत्र में वह जल अमृत तुल्य हो जाता है, जिसमें साधु संत, आप और हम सब जानते हैं साधु संत यहाँ उस स्थिति में उस नक्षत्र में स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं और अमृत का पालन करते हैं। पूरे जी एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि अभी महा गंगा मैया की हम आरती की बात करें वो तो चल रही थी, महाकुंभ 2022 अभी जो समाप्त हुआ है उसके बाद अभी अगला महाकुंभ कहाँ पर होने वाला है? अगला महाकुंभ उज्जैन में होगा 2033 में, क्योंकि ये साल एक पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा है तो 2022 में होना था, अब ये 2021 में हुआ और अब पुरुषोत्तम मास कम है तो इसलिए 2033 में अगला महाकुंभ होगा, उज्जैन में होगा, वो ये लिखित है उज्जैन में होने वाला है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। आपका भी आपका समय हमने लिया। तो गंगा मैया की जो पावन छठा है वो आपको देखने से अच्छी लगती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आप देश विदेश प्रदेश से जो श्रद्धालु है वो गंगा मैया की जो एक झलक है उसको देखने के लिए आते हैं और उनसे भी हम जानकारी लगातार लेते रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगली जानकारी हमें कौन देगा, लेकिन हम आपको थोड़ा अंदर लेकर चलते हैं। गंगा मैया की पावन जो छठा है वही हम आपको यहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग आरती भी कर रहे हैं और आरती का भी आप दृश्य देख सकते हैं कि वो किस तरह से की जाती है। तो जो शीतलता है वो शीतलता महकती है गंगा के जल में, और ये जो पवित्र जल है इसकी जो पवित्रता है वो लगातार आपको शीतलता देती रही है। और गंगा मैया की जो झलक है वो तो अपने आप में निराली है, लेकिन हम आपको एक ही संदेश देंगे कि आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक हिस्सा बनिए। लेकिन आप स्वच्छ भारत अभियान से अगर हटते हैं उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो जरिया है केवल गंगा मैया को साफ स्वच्छ रखने का एक बैठता है। पुरोहित जी हमारे साथ एक और है। पुरोहित जी जय गंगा मैया। आलोक पांडे। आलोक पांडे जी, आलोक पांडे जी आप तो लगातार गंगा मैया के चरणों के बिल्कुल पास ही नज़दीक बैठते हैं, एक छोटा सा एक संदेश स्वच्छ भारत अभियान को लेके कि गंगा मैया को कैसे साफ किया जाए। गंगा मैया का जो ऐसा है कि जितने कल कारखाने हैं उसके जो मलबे हैं उसको सबसे पहले बंद किया जाए, जो अगल गंगा जी के किनारे जो शौचालय हैं उनके जो नाले कचड़े आ रहे हैं उनको बंद करवाया जाए। इस तरह से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी कूड़े कचड़े हैं जो एक डस्टबिन में डाले गंगा जी में ना डाले। अच्छा, कुछ लोग कचरा डालते हैं, पन्नी पॉलीथीन कपड़े भी गंगा में डाल देते हैं। ऐसा गंगा जी में नहीं होना चाहिए।
कुछ लोग जिनके जो परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, वो उसके कपड़े भी कुछ लोग गंगा में डालते हैं। ऐसा जी कोई ऐसा अवधारणा नहीं है, ऐसा कोई अवधारणा नहीं है कि कपड़े को आप डालिए गंगा जी में, ऐसा कोई अवधारणा नहीं है। यानी वो जो कपड़े हैं वो आप किसी गरीब को दे सकते हैं, हाँ, ताकि एक गरीब व्यक्ति, हाँ, उनको कपड़े को पहन सके, ऐसा कोई अवधारणा नहीं है। गरीब को दे दिए, गंगा जी को स्वच्छ रखिए। बिल्कुल, तो गंगा माता को स्वच्छ रखिए, ऐसा ही पांडे जी ने हमें बताया। तो तमाम जानकारी हम आपको राही न्यूज़ के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। मैं सोनू कश्यप, खास जानकारी आपको इस वक्त गंगा मैया के घाट हरिद्वार से दे रहा हूँ। जय गंगा मैया। तो श्रद्धालु तो बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन कुछ और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं, भक्तगण हैं, जो गंगा मैया की जो पावन झलक देखने के लिए दूर दराज जाते हैं। जय गंगा मैया। जय गंगा। कहाँ से आए हैं आप? हम अमृतसर से आए हैं जी। अमृतसर से? अमृतसर से यहाँ तक आए हैं। क्या नाम है आपका? सुकेश कुमार। सुकेश कुमार जी, आपका नाम? अंजू। अंजू, बहुत अच्छा। गंगा मैया में ऐसा क्या है कि आप अमृतसर से हरिद्वार तक चले आए, क्या कहेंगे? आस्था है, साथ में देख रहे थे कि गंगा मैया की बड़ी कृपा है जी, कि यहाँ पर लोग खुशी में भी आ रहे हैं, गमी में भी आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो किस्मत वाले होते हैं जो खुशी में आकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कोई गम में भी आता है, कोई खुशी में आता है, आपने बहुत अच्छा कहा है। हम एक ही बात कहेंगे आपको, लेकिन आप खुशी में आए चाहे गम में आए, पावन गंगा मैया की जो छलक है उसको देखते हैं सर, आपके मन में एक शीतलता का एहसास हो जाता है। हाँ, बहुत, 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 हमारा बहुत, जो अभियान चल रहा है अभी स्वच्छ भारत मिशन अभियान हम लोग चलाते हैं, तो एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत एक सफाई का संदेश आप दे सकते हैं? हाँ, हम चाहते हैं सफाई होनी चाहिए जी, है ना। हम खुद भी करते हैं कोशिश, हम खुद करेंगे तो भी लोग करेंगे। आप क्या संदेश जनता को देंगे सफाई को लेकर? गंगा मैया को बहुत मैला कर रहे हैं कुछ लोग, चाहिए सफाई तो होनी चाहिए। कैसे उस पर रोकथाम लगाई जाए? बस यही जो हम इसमें कचरा वचरा फेंकते हैं वो ना हो। अभी जैसे मैं देख रही थी, एक आदमी ने कुल्ला किया इसमें चुटकी, वो पान सुपारी जो खा के कुल्ला करके तो किया, वो बड़ा गंदा लगा। वही उसको ही जल को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसी जल में वो कर रहे हैं, मन दुखी होता है ऐसे। तो ये है, अभी जितना हम ध्यान रख पाए उतना अच्छा है सारा। जो हमारा अभियान है सीधा, जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं उनके साथ भी हम जुड़ के काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जो गंदे नाले जिनसे निकलते हैं, जो कचरा निकालते हैं, जो पेपर मिल्स है उनके भी कुछ नाले निकल कर गंगा में डल जाते हैं, उसे भी बहुत सारा जो इसकी शीतलता है गंगा मैया की, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप भी युवा हमारे साथ में हैं, आपका नाम क्या है? बेटी है। अच्छा, आप पावन गंगा मैया के आज पावन दर्शन करने के लिए आप आए थे, कैसा एहसास आपको होता है? बहुत अच्छा लगा, हमने सुबह स्नान भी किया था यहाँ पे, अब हम फिर से आए हैं यहाँ बैठने के लिए। जब आई थी बहुत साल पहले, तो बड़े हाँ जी 20 साल पहले आई थी, बड़ी देर बाद। हमारा जन्म यही हुआ है, हम लोग यही पले बड़े हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। अच्छा, अमृतसर का मौसम और हरिद्वार का मौसम कैसा लगा? यहाँ का थोड़ा फर्क है, गंगा किनारे वैसे ही थोड़ा है ठंडा। साल में हर एक दो बार तो आए थे होंगे? नहीं, ये तो मैं देर बाद आई, हम पिछले साल आए थे, माता जी की अस्थियाँ लेके आए थे, तब दुख में आए थे, अब खुशी का मन था भाई गंगा मैया बुला रही है, आओ आओ, इसलिए आगे उन्होंने बुलाया है। अच्छा, से आए से बुला रही है, जब माँ बुलाती तो आता है। हाँ, कितने दिन से बुला रही है माता कि नहीं बुलाना, वो बुला रहे हैं, बुला रहे, आओ आओ, हम आ गए। अच्छा, यूथ है, जैसे कि आप एक यूथ को एक संदेश आपका भी बनता है कि गंगा मैया को कैसे स्वच्छ रखें? गंगा मैया को स्वच्छ रखना भी अपने हाथ में ही है, जैसे हम खुद ही यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, लोगों ने तो कपड़े भी नहाकर उधर भी फेंके हुए हैं, यही छोड़ के चलेंगे, एक खुद ही हम करेंगे फिर ही गंगा मैया साफ रहेगी। अच्छा, पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे हैं कि ये सफाई वो सफाई और उसके बाद भी फोटो खिंचा के खाली चले जाते हैं, क्या वो जो दायरा है वो यहाँ तक पहुँच पाता है या नहीं? मुझे नहीं लगता यहाँ तक पहुँच पाता है, फोटो खिंचा के सब चले जाते हैं, गंदगी कोई नहीं देखता। तो मेरा सीधा संदेश उन लोगों तक है जो केवल फोटो खिंचा के बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान और सफाई रखें, लेकिन एक और मिशन है कि आप गंगा मैया को स्वच्छ रखें, क्योंकि आपकी अपनी माँ है और अपनी माँ को कोई मैला। अच्छा, अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ जनरेशन जो है हमारी है, यूथ जो जनरेशन है वो एक विश्वास और आस्था को आज नहीं मान पा रहे, तो उसके लिए क्या संदेश है? मेरा मानना है कि युवा को भी मानना चाहिए, यहाँ स्नान वगैरह करके आपको अच्छा लगेगा। गंगा मैया में बहुत शक्ति है। क्या सच में लगता है कि गंगा मैया में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं?
जी हाँ जरूर, धुल जाते हैं, पाप भी धुल जाते हैं, आपके मन भी शुद्ध होगा, सब कुछ शुद्ध होगा, अच्छा महसूस होगा। काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब हम आते हैं, वैसे लगता है जैसे हमको खुद को हल्का महसूस, हल्का फील कर, मन हल्का हो गया, तन और मन बैठे। बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि तन और मन आपका शीतल हो जाता है पावन गंगा मैया के जल में स्नान करने से। तो मैं सोनू कश्यप खास जानकारी आपको इसी तरह हरिद्वार से देता रहूँगा, और जुड़े रहिए आप राही न्यूज़ पर, क्योंकि राही न्यूज़ का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन और मिशन गांव गांव, लगातार हम आपको स्वच्छता के तहत संदेश देंगे, जागरूक करेंगे। जय गंगा मैया। कहाँ से आप लोग हैं? हम बिहार से, बिहार से, सुपौल जिला। अच्छा, गंगा मैया के दर्शन करके कैसा लग रहा है? सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से जल आपने ग्रहण किया होगा? हाँ, जल ग्रहण किया, बहुत सुंदर। अच्छा, साल में एक ही कितने बार आप आते हैं हरिद्वार? हम फर्स्ट ईयर आए हैं। फर्स्ट ईयर आए? फर्स्ट ईयर। अभी कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। फैमिली के साथ आए? जी। कौन कौन फैमिली में है? मेरे पति है, मेरे सास है, ससुर है, मेरे भाभी है, भैया है, माँ है, मेरे बेटा है। अच्छा, हमारा एक छोटा सा अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें हम गंगा मैया को साफ रखने के लिए एक अभियान चलाते हैं। कुछ लोग गंगा गंदा करते हैं गंगा मैया को, उनको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे गंदा नहीं करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, सबको अच्छा लगेगा, सब उसके जल पीते हैं, पवित्र है गंगा मैया, जैसा रखेगा वैसा रहेगा। हम लोग चाहते हैं उसे अच्छा रहे, बढ़िया रहे। बहुत सुंदर लग रहा है हम लोग को, यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है। गंगा मैया को स्वच्छ रखने के लिए क्या संदेश आपने? गंगा मैया का स्वच्छ देखने से ही पता चलता, हम तो यहाँ का पानी आते ही पिए हम जी। और यहाँ का पानी बिस्लरी से अच्छा है। अच्छा है जी जी, हम तो आते जी जी, सफाई पूरा है। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा का जल ग्रहण करने से शीतलता आ जाती है। जी जी, गंगा का जल करने शीतलता ही नहीं, जितना हरासमेंट था हम लोग का, सब गंगा जल पीने से पवित्र हो गया। जी जी, जय गंगा। कुछ यूथ है हमारे बच्चे, कहाँ से आप लोग आए हैं? अखनूर, जम्मू। हाँ। जी, जम्मू से हैं। कैसा लगता है हरिद्वार में आने से? बहुत अच्छा लगता है, मन पसंद हो जाता है। अभी शीतलता का आपने अभाव किया होगा, गंगा मैया का जल स्पर्श किया आपने, कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, स्वच्छ मतलब अच्छा, स्वस्थ महसूस हो रहा है, स्वच्छ महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें स्नान करके। हमारा मिशन है गंगा स्वच्छ, ठीक है, तो गंगा को साफ सफाई करने के लिए हम एक संदेश देते हैं जनता तक पहुंचाने के लिए, क्या संदेश आप जनता को देते हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हम तो आते ही इसको हमने तो इसका पी लिया है पानी, अब बाकी लोग तो हम जो यही कहना चाहते हैं कि गंदा नहीं करें, ज़्यादा से स्वच्छ रखें इसको, बस यही। आप क्या कहें? यही स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए यहाँ पे गंगा मैया को साफ। हाँ जी बिल्कुल साफ। अभी पढ़ते होंगे आप, स्टूडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? मैं 11th में हूँ। आप? 7th। बहुत अच्छा लगता है। आप मम्मी? हाँ जी हाँ जी। आप भी लखनऊ? हाँ जी। कहाँ से? हम अखनूर से हैं, जम्मू से। जम्मू से? हाँ जी। अच्छा, गंगा मैया की पावन छठा देखने के लिए आप हर साल आते हैं? नहीं नहीं, हर साल नहीं आए, काफ़ी देर के बाद आए हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं आए, सेकंड टाइम आई हूँ। हाँ जी। हमारा मिशन है स्वच्छ गंगा अभियान। हाँ जी। तो उसके तहत हम चाह रहे हैं कि आप दर्शकों को एक संदेश दें कि गंगा मैया को कैसे साफ करें, कूड़ा जो कुछ लोग गंदा, हाँ गंदा नहीं करना चाहिए, कुछ फेंकना नहीं चाहिए बीच में, ऐसे जय गंगा। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। अच्छा जय, बोलो। जय गंगा मैया। तो जय गंगा मैया के जो छलक है वो आप लगातार देखते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु है, जो भक्त लोग हैं, वो नहीं रुक पाते, दूर दराज क्षेत्रों से, दूर दराज प्रदेशों से यहाँ गंगा मैया के जो दर्शन करने के लिए वो चले आते हैं। मैं सोनू कश्यप खास जानकारी आपको इस वक्त देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड से दे रहा हूँ, क्योंकि लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा मिशन है, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, वो लगातार यूँ ही चलता रहेगा और राही मंजिल की ओर चलता रहेगा। पर वो अपनी छलकता हुआ जो शीतल जल है, उसकी प्यास बुझाने के लिए लोगों के खेत तक सिंचाई करने के लिए गंगा मैया की जो एक एक बूंद है वो कीमती है, तो उस कीमती बूंद को बनाए रखने के लिए आप गंगा मैया को साफ स्वच्छ रखेंगे, ऐसा हमारे साथ आप एक प्रण लें, ऐसी शपथ लें। अन्य लोगों तक भी इस तरह की जानकारी को आप लोग शेयर करते रहें, जैसे कि आप गंदे कपड़े या फिर कचरा हो गया, जितना भी हो गया, बोतलें हो गई, प्लास्टिक जैसे चीज़ों पर बैन होना चाहिए, उसको भी हम आपको लगातार दिखाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप गंगा मैया में ना फैलें, ये प्रदूषण का कारण बनती है, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए। जय गंगा मैया।